सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है और ये अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताबों का तमाम मज़ाहिब के लोग एहतराम करते हैं। हाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से एक बार फिर आपसे रूबरू हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि बंगाल में इलेक्शन है और सारा कंसंट्रेशन इस वक्त सरकार का, बीजेपी का और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का बंगाल में पूरी तरीके से लगा हुआ है। बंगाल में अभी जैसे दो दिन पहले ममता बनर्जी के साथ एक हादसा हुआ जिसमें उनके चोट भी लगी और उससे वहां का माहौल पूरी तरीके से डगमगा गया है और लोगों की सहानुभूति जो है वो ममता जी के साथ दिखती है। और ममता जी ने आज व्हीलचेयर से अपना जो प्रचार अभियान है वो शुरू भी किया है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे देश में जो एक पूरा षड्यंत्र रचा जाता है, वो सारा जो कुछ होता है कि जहां पर इलेक्शन होता है पूरा दिमाग सब लोगों को वहीं पर माइग्रेट कर दिया जाता है और जिससे लोग ना अपनी महंगाई के ऊपर बोल पाते हैं, ना बेरोजगारी के ऊपर बोल पाते हैं, ना किसी और अपने मुद्दे पर बोल पाते हैं, सब लोग इलेक्शन में लग जाते हैं। ये एक पिछले सालों से यही चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर भी किसान आंदोलन पूरी तरीके से रंग दिखा रहा है। सब लोग जो किसानों के बड़े बड़े नेता हैं, राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे हुए हैं, योगेंद्र यादव भी वहां पहुंचे हैं और भी बहुत से जो नेता हैं, सारे नेता बंगाल पहुंच गए हैं और बंगाल में इस वक्त राजनीति चरम पर है और वहां पर हर तरीके का कार्ड खेला जा रहा है। कुछ भी वहां पे राजनीति में जो हो रहा है वो सब कुछ जो हो सकता है वो वहां पर हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो देश के अंदर सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो महंगाई की परेशानी है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का एक वक्त का रोटी खाना मुश्किल हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। मगर उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये कह रहे हैं कि महंगाई से कोई फर्क नहीं, देश हित में अगर हमें जो सिलेंडर 800 की जगह नहीं 1000 का भी लेना पड़ेगा तो हम लेंगे। अरे आप लोग ले लोगे जो पैसे वाले हैं, जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में भी किसी ने सोचा? आप लोग बहुत सा एक्सक्यूज ये दे रहे हैं कि सरकार ने जो लॉकडाउन में फ्री में राशन बांटा है ये उसका नतीजा है, उसकी वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है। जबकि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के जो देश है उन्होंने इससे ज्यादा अपनी आवाम के लिए किया है, हमारे देश में तो जो स्कीमें हैं वो ऑन पेपर ही ज्यादा होती हैं। लोग कहते कुछ है होता कुछ है, मगर होता उसका बरक्स है। कुछ भी हमारे जो जिसको जरूरत होती है चीज की, जिसके लिए वो फंड रिलीज होता है, जिसके लिए वो खाना रिलीज होता है, जिसके लिए भी कोई चीज रिलीज होती है, वो उनमें से 20% लोगों तक भी नहीं पहुंच पाती, बाकी वो ऊपर से ऊपर ही लोगों में खत्म हो जाती। अगर ज्यादा हो जाता अनाज तो सड़ जाता, वो मंडियों में ही सड़ जाएगा, उसको रखने तक की जगह नहीं होती। कम होता है तो उसकी अलग परेशानी होती है। आलू है इस वक्त वो 50 रुपए किलो है, प्याज है वो 60-70 रुपए किलो है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो इतनी महंगी हो रही हैं और किसी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि अवाम जो है वो अपने जो गरीब लोग हैं वो बेचारे अपनी मेहनत में लगे पड़े हैं कि किसी तरीके से अपने बच्चों को पाल लें, कहीं से 2 रुपए की कुछ दिहाड़ी कर लें, उससे अपना घर चला लें। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी बेचारों की नौकरियां छूट गई हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, बहुत से लोग माइग्रेट कर करके अपने अपने गांवों में चले गए हैं जहां पर लोगों के पास खाने को भी नहीं है, लोग बेपनाह परेशान है इस वक्त। हमें इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे दोस्त, जो हमारे साथी, जो हमारे मिलने वाले अपने अपने गांवों में चले गए हैं बेरोजगार होकर, उनको दोबारा से लाके उनको नौकरियां दिलवाई जाए, उनके लिए काम किया जाए। और जो भी लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं या बड़े बड़े कंपनीज में हैं वो उन लोगों को वहां पर नौकरियां दिलवाएं, उनके लिए खाना अरेंज कराएं, उनके लिए जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करें। बच्चों की फीसें जमा नहीं हो रही हैं, लोग किस किस तरीके से लोग करें अपनी समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत से बच्चों की फीसें तक जमा नहीं हो रही है। स्कूलों से पूछिए कितने लोगों की फीसें आ रही हैं और हम सब के सब मस्त हैं अपने आप में, किसी को किसी की फिक्र नहीं है।
जबकि ये चीज बहुत गलत है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए, पड़ोसी क्या कर रहा है। हमारे देश में जो राजनीति हो रही है वो राजनीति एक अलग तरीके की राजनीति हो रही है। इस वक्त पूरे दुनिया में सब कुछ धर्म बरम हुआ हुआ है, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, सब लोग उससे निकलना चाह रहे हैं। कोरोना है कि कोरोना दोबारा से फिर हमारे देश में उसके केसेस बढ़ने लगे हैं, हो सकता है लॉकडाउन भी लग जाए, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, मगर अगर लॉकडाउन हुआ तो और हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। अभी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने बेचारे ने 15 राज्यों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है कि वो कुछ टाइम में वो 15 राज्यों में 15 जिलों में लॉकडाउन लगाएंगे। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है मगर आवाम इतना ज्यादा है कि वो कहां से कहां तक किस तरीके से उसको संभाले। लोगों की परेशानियां इतनी है, अगर लोग कमाए नहीं तो खाएंगे कहां से, और अगर घर में बैठे तो करेंगे कैसे। तो इस वजह से लॉकडाउन जो 15 राज्यों में हो रहा है वहां पर पूरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में ही रहें, बाहर ना जाएं, और अपने जो भी हो सकता है वो अपने घरों में रहकर ही करें, क्योंकि अगर बीमारी बढ़ गई और पूरे देश में लॉकडाउन हुआ तो पता नहीं क्या हाल होगा। महाराष्ट्र के भी बड़े बुरे हालात हैं, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन की प्रक्रिया हो सकती है कि लग जाए, केरल में भी हो सकता है, अलग अलग राज्यों में कोरोना के अलग ज्यादा केस आ रहे हैं, दिल्ली में भी केस बढ़ रहे हैं। मैं आप तमाम देशवासियों से ये आग्रह करता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, जो जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है और हम और ज्यादा परेशानियों में आ सकते हैं। एक तो वैसे ही हमारे देश में जो इस वक्त हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं है और हर आदमी जानता है कि किस तरीके से वो अपना रहन सहन गुजारा कर रहा है। हमें इन सब चीजों के लिए देखने के लिए अपने पड़ोसियों का, अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखना चाहिए। और जो अभी एक हमारे देश में एक नई परंपरा शुरू की थी वसीम रिजवी साहब ने, जो अभी उन्होंने 26 आयतों को कुरान से हटाने के लिए कहा था, उसमें पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में लोगों में गुस्सा है, लोगों के अलग अलग उस पर कमेंट्स आ रहे हैं। मैं वसीम रिजवी साहब से और उन जैसे और लोगों से जो भी मजहब को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि खुदा रा अल्लाह के कहर से डरें और जो भी बात करें वो जोड़ने की बात करें, ना कि तोड़ने की बात करें। आज हमारे अमरोहा में भी उसके खिलाफ ज्ञापन दिया, काफी लोगों ने उनकी FIR भी कराई है, पूरे देश में कई जगह पे FIR हुई है, नौगांव में भी हुई है, अमरोहा में भी हुई है और आसपास के एरियो में काफी जगह पर वसीम रिजवी के खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। और वसीम रिजवी को समझ लेना चाहिए कि जो वो अपना नहीं हो सकता वो दूसरों का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को देखते रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। एक ग्लव्स पे भी शक करने वाला आदमी मुसलमान नहीं रह सकता, किसी धर्म की किताब भी हो वो आदरणीय है। और वो इस अंदाज की बात करके पूरे हिंदुस्तान का माहौल बर्बाद कर देना चाहता है। सरकार को तुरंत इसमें संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा ये मुद्दा जेवलेंट मुद्दा बनेगा हिंदुस्तान का, कुरान शरीफ पर किसी किस्म की भी आंच।